नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा देर से शुरू कर रहे हैं क्योंकि संसद भवन से अभी हम सीधा आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे जहां गृह मंत्री अमित शाह अपना भाषण दे रहे थे। आज से कुछ वर्ष पहले आपको कोई भी खबर अगर जाननी होती थी, देखनी होती थी, तब आप देश के कुछ विश्वसनीय न्यूज चैनल्स देखा करते थे या फिर जो विश्वसनीय अखबार थे वो पढ़ते थे। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में कुछ पत्रकारों ने डिजिटल न्यूज के नाम पर खबरों की छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे शोरूम्स या फिर समझ लीजिए खबरों के शॉपिंग मॉल्स खोलने शुरू कर दिए और ये सब अपनी खबरों को आपके सामने ये कहकर बेचते हैं कि वो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो छोटी छोटी न्यूज की दुकानों के जरिए भारत विरोधी खबरें आपके सामने पेश करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे देश के कुछ यूट्यूबर पत्रकार मुसीबत की घड़ी में भी देशभक्ति की बात कभी नहीं करते, बल्कि ये वो लोग हैं जो गलवान और डोकलाम के समय चीन की तरफदारी करते हैं और बालाकोट और पुलवामा के समय पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं और भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं। आप भी कई बार हैरान होते होंगे कि हमारी चीन से लड़ाई चल रही है और हमारे ही देश का एक मीडिया का हिस्सा चीन की तरफदारी कर रहा है। हमारी पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, पुलवामा हो रहा है, बालाकोट हो रहा है और हमारे ही देश के कुछ पत्रकार हमारी सेना पर ही सवाल उठा रहे हैं, पाकिस्तान पर सवाल नहीं उठा रहे। आप हैरान होते होंगे, जरूर होते होंगे। और इन सभी पत्रकारों की जो भाषा है वो विपक्ष के नेताओं से बहुत मिलती जुलती है। ये माओवादी और अर्बन नक्सल्स का समर्थन करते हैं। हमारे देश में लोग अक्सर ये चर्चा भी करते हैं कि इस तरह के पत्रकारों को और इस तरह की न्यूज कंपनियों को चलाने के लिए आखिर पैसा आता कहां से है, क्योंकि जनता तो इन्हें देखती नहीं, तो फिर इनके पास ये सब करने के लिए फंडिंग कहां से आ रही है, पैसा कहां से आ रहा है और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। इसलिए आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे भारत में न्यूज क्लिक नाम की एक ऐसी ही कंपनी को चीन से 38 करोड़ रुपए मिले और इसके बदले में इस कंपनी में काम करने वाले पत्रकारों ने उन्हें भारत विरोधी खबरें दिखानी थी बदले में और चीन के समर्थन वाली खबरें दिखानी थी, ऐसी खबरें दिखानी थी जिससे भारत कमजोर हो और देश के लोगों में अपनी ही चुनी हुई सरकार के प्रति असंतोष फैले। इस कंपनी के जरिए गौतम नवलखा नाम के एक अर्बन नक्सल को 20 लाख रुपए मिले, तीस्ता सैतलवाड़ के परिवार को लाखों रुपए मिले और कई ऐसे पत्रकार जिन्हें आप अक्सर यूट्यूब पर सुनते रहते हैं स्वतंत्र पत्रकारिता करते हुए, ऐसे कुछ पत्रकारों को 45 लाख रुपए तक इस कंपनी से मिले। ये ऐसे पत्रकार हैं जो अक्सर अपने YouTube वीडियो के जरिए जहर फैलाते हैं और कहते हैं कि आप उन्हें स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे देश के बहुत सारे भोले भाले दर्शक ये गलती कर भी बैठते हैं, इसलिए आज हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि इस गलती को मत कीजिए। हमारे देश में मीडिया का एक ऐसा बड़ा हिस्सा है जिसकी फंडिंग बाहर से हो रही है और आज वही विदेशी हाथ जहां से ये पैसा आ रहा है, वही विदेशी हाथ जो वहां से स्क्रिप्ट लिखकर इन पत्रकारों को भेज रहा है, आज वो आपको दिखाएंगे। आप अक्सर ये बात सुनते होंगे कि भारत को अस्थिर करने के पीछे विदेशी हाथ है, लेकिन इस खबर से आपको यह समझ में आएगा कि यह विदेशी हाथ होता कैसा है और यह काम कैसे करता है। अब आप यह पूरा मामला आज अच्छी तरह से समझिए, जिसके कुल 4 बहुत बड़े बड़े किरदार हैं। आप यह समझ लीजिए, मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं और इसके 4 बड़े किरदार हैं। इनमें पहला किरदार है भारत के उस न्यूज पोर्टल का नाम जिसका नाम है न्यूज क्लिक। इस नाम को आप याद कर लीजिए, न्यूज क्लिक नाम का एक न्यूज पोर्टल है, यह समझ लीजिए एक न्यूज की कंपनी है जो आपके सामने न्यूज लेकर आती है। दूसरे किरदार में जो व्यक्ति है उसका नाम है नेवल राय सिंघम। यह जो सिंघम है, सिर्फ इसके नाम में सिंघम है, इसका सिंघम फिल्म से कोई लेना देना नहीं है और इस व्यक्ति के जो काम है वो भी सिंघम जैसे नहीं है। यह वो व्यक्ति है जिसने अमेरिका में स्थित अपनी अलग अलग कंपनियों के जरिए, एनजीओज के जरिए न्यूज क्लिक नाम की इस कंपनी में करोड़ों रुपए का निवेश किया। तीसरा किरदार है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसकी एक संस्था अमेरिका की उन कंपनियों में पैसा लगाती है, फंडिंग करती है, जिसके जरिए न्यूज क्लिक को पैसा मिला है। और चौथे किरदार में है भारत के वो पत्रकार और यूट्यूबर जो स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की गोद में जाकर बैठे हैं और चीन के निर्देश पर चीन की गुलामी कर रहे हैं, चीन से स्क्रिप्ट जो लिखकर आती है उसे आपके सामने पढ़ रहे हैं और भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। तो यह पूरा जाल जो है, यह समय आपकी स्क्रीन पर है।
अमेरिका के एक मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हुए एक लेख में यह बताया गया है कि न्यूज क्लिक को वर्ष 2018 से 2021 के बीच विदेशों से जो 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली उसके पीछे चीन था, और यह बात भारत के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी कही थी जब उन्होंने इस कंपनी पर छापा मारा था। लेकिन तब हमारे देश में विपक्ष से लेकर दूसरी संस्थाओं तक सबने ईडी को बिका हुआ बता दिया और कहा कि यह स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला है और यह सब कुछ सरकार के निर्देश पर हो रहा है। दुर्भाग्य देखिए, हम अक्सर न्यूयॉर्क टाइम्स की आलोचना करते रहते हैं, अक्सर कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स भारत विरोधी खबरें छापता है, और यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब हमारे देश का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कुछ बात कहता है तो हमारे देश में कोई नहीं मानता, कहते हैं अरे ये तो सरकारी संस्था है, झूठ बोल रही होगी। लेकिन जब वही बात न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार कहता है तो सब मान लेते हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या किया है, उसने एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया है जिसके जरिए यह पता चला कि चीन अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों के मीडिया संस्थानों में अपना पक्ष रखने के लिए पैसा लगाता है और उन देशों के मीडिया को खरीद रहा है, और उन देशों में भारत का नाम भी है जहां चीन मीडिया को खरीद रहा है। यह खुलासा जिस न्यूज क्लिक नाम की कंपनी को लेकर हुआ है उसका असली नाम है पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, और यह कंपनी 11 जनवरी 2018 को रजिस्टर हुई थी। यह तारीख इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे 10 दिन पहले ही 1 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में एक बहुत बड़ी हिंसा हुई थी, और इस हिंसा के आरोप में तब कुछ अर्बन नक्सल्स और खुद को मानव अधिकारों के कार्यकर्ता और गौतम नवलखा को गिरफ्तार किया गया था। गौतम नवलखा अपने आप को वैसे तो मानव अधिकारों का कार्यकर्ता बताते हैं, लेकिन वो क्या है आप भी जानते हैं। अब यह पता चला कि गौतम नवलखा 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा की साजिश में शामिल थे, और इसके 10 दिन बाद जब 11 जनवरी 2018 को न्यूज क्लिक नाम की कंपनी बनी तब वो इस कंपनी से जुड़े हुए थे। यानी ये जो गौतम नवलखा है ये न्यूज क्लिक से जुड़े हुए थे और वो इस कंपनी के शेयर होल्डर भी थे। अब बड़ी बात यह है कि भारत के इस न्यूज पोर्टल को मार्च 2018 से विदेशों से फंडिंग मिलनी शुरू हुई, और यह फंडिंग कहां से आ रही थी, अमेरिका की 3 कंपनियां और ब्राजील की 1 कंपनी से भारत के इस न्यूज पोर्टल को फंडिंग मिली, और लगभग 28 करोड़ रुपए इन कंपनियों के जरिए न्यूज क्लिक के बैंक अकाउंट में विदेशी निवेश के जरिए, विदेशी निवेश के नाम पर आ गया, और यह पूरा लेन देन हुआ जो ये 2 कड़ियों में हुआ, 2 किश्तों में हुआ। अमेरिका की जो कंपनियां न्यूज क्लिक को पैसा दे रही थी उनका रिमोट कंट्रोल नेविल राय सिंघम नाम के अमेरिकी इन्वेस्टर के पास था, और जिस न्यूज क्लिक कंपनी को उनसे फंडिंग मिल रही थी उसके डायरेक्टर प्रबीर पुरकायस थे जिनके ठिकानों पर 2021 में ईडी ने छापा मारा था। वर्ष 2018 से 2021 के बीच 3 साल में अमेरिका के इस सो कॉल्ड इन्वेस्टर से न्यूज क्लिक को पूरे 28 करोड़ रुपए मिले, और इस दौरान अप्रैल 2018 में न्यूज क्लिक को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए 9,59,00,000 रुपए अलग से मिले, यानी लगभग 10 करोड़ रुपए और मान लीजिए, तो 28 करोड़ एक बार आए और 9.5 करोड़ रुपए एक बार आए, लगभग हो गए 38 करोड़ रुपए। यह पैसा अमेरिका की जिस कंपनी से न्यूज क्लिक को उसके शेयर ट्रांसफर करने पर मिला उस कंपनी की जब जांच हुई तो पता चला कि यह कंपनी सिर्फ न्यूज क्लिक को यह फंड ट्रांसफर करने के लिए ही बनाई गई थी खास तौर पर, और इसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। जो कंपनी घाटे में चल रही थी और जिसके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए थी, उस कंपनी के शेयर्स का सौदा 11,510 रुपए के प्रीमियम पर किया गया, यानी फंडिंग लेने के लिए यह पूरा घोटाला हुआ जिससे न्यूज क्लिक को 9,59,00,000 रुपए मिल गए, और जिस फर्जी कंपनी के जरिए ये मुंह मांगे दाम पर ये मिट्टी के भाव जो शेयर था उसे सोने के भाव बेचकर जिस कंपनी के जरिए पैसा भेजा गया उस कंपनी का चेहरा नेविल रॉय सिंघम ही था जो खुद को अमेरिका का एक बहुत बड़ा व्यापारी या बिजनेसमैन बताता है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि यह व्यक्ति अमेरिका में नहीं फिलहाल चीन के शंघाई शहर में रहता है, इस समय वहां मौजूद है, और यह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करता है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक एजेंट है। इसके अलावा आरोप है कि न्यूज क्लिक को इस व्यक्ति के जरिए जितनी भी फंडिंग मिली वो पैसा चीन के जरिए ही
न्यूज क्लिक नाम की इस कंपनी तक पहुंचा और इसके बदले में चीन ने भारत के इस न्यूज पोर्टल को चीन के हितों के लिए काम करने के लिए कहा और ऐसा काफी वक्त तक चलता रहा जब यह कंपनी असल में चीन के पैसे से चल रही थी। इसकी जो स्क्रिप्ट्स आती थीं वो चीन से लिखकर आती थीं और इसका जो काम जो टास्क दिया गया था इस पैसे के बदले वो ये था कि चीन की वाहवाह करो और अपने देश की आलोचना करो। न्यूज क्लिक के डायरेक्टर और चीन की सरकार के लिए काम करने वाले इस व्यक्ति के बीच कई ईमेल्स एक दूसरे को भेजे गए थे जिनमें चीन की सरकार न्यूज क्लिक को चीन के समर्थन में काम करने के लिए बार बार कहती थी। इसके तहत भारत में चीन के पक्ष में माहौल बनाने, भारत में चीन की छवि चमकाने के लिए एक विशेष प्रोग्राम चलाने और चीन विरोधी भावना को भारत में कम करने के लिए इन लोगों को निर्देश दिए गए। इसके अलावा इन्हीं ईमेल्स पर भारत के ऐसे नक्शे भी भेजे गए जिनमें अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया गया और बड़ी बात यह है कि ये ईमेल्स उन पत्रकारों, यूट्यूबर्स और नेताओं को भी भेजे गए जो स्वतंत्र पत्रकारिता की दुकान खोलकर आपके सामने बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा अक्सर आजकल डिजिटल मीडिया में और यूट्यूब पर अक्सर छोटे मोटे पत्रकार भी आते हैं, कुछ ऐसे पत्रकार भी आते हैं जो पहले किसी अखबार में या किसी बड़े न्यूज चैनल में काम करते थे और अचानक से वो ये कहते हैं कि मैं स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूं इसलिए आप मुझे समर्थन दीजिए। स्वतंत्र पत्रकारिता का मतलब है कि मैं खुलकर सच कहता हूं और वो सच क्या होता है, वो सच भारत विरोधी होता है, पाकिस्तान के पक्ष में होता है, चीन के पक्ष में होता है, हर उस ताकत के पक्ष में होता है जो भारत के खिलाफ खड़ी होती है। और फिर वो ये कहते हैं कि मैं स्वतंत्र पत्रकार हूं, आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे पैसा भी भेजिए। और ये भी कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं आपके सामने सच ला रहा हूं, वो सच जो कोई और नहीं लाएगा। बिल्कुल, कोई और पत्रकार क्यों लाएगा, क्योंकि सारे पत्रकार बिके हुए नहीं है, जो बिके हुए पत्रकार हैं वही ये काम करेंगे। इसलिए आज हम आपको ये बता रहे हैं कि ये बिके हुए पत्रकार कौन है जो चीन जैसे दुश्मन देश से पैसा लेकर आपके सामने झूठ फैलाते हैं। इनमें भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नवलखा और सीपीएम के नेता बप्पादित्य सिन्हा का भी नाम है जिन्हें 20-20 लाख रुपए चीन के जरिए इसी कंपनी के थ्रू मिले। इसके अलावा खुद को मानवाधिकार कार्यकर्ता बताने वाली तीस्ता सेतलवाड़ के पति जावेद आनंद को 12,61,000 रुपए मिले और उनकी बेटे और बेटी को 10,93,000 रुपए ऐसे ही चीन के जरिए इस कंपनी से होते हुए मिले। और ऐसे पत्रकार एक और हैं, उसे भी 40 से 45 लाख रुपए दिए गए जो YouTube पर ये कहते हैं कि बोल कि लब आजाद हैं तेरे, आजादी के नाम पर जो आपके सामने झूठ पेश करते हैं, ऐसे एक पत्रकार को 45 लाख रुपए दिए। नाम इसलिए नहीं बताना चाहता कि नाम बताया तो उसका कद बहुत बढ़ जाएगा, इस लायक नहीं है। लेकिन इन पत्रकारों का सच ये है कि ये चीन की गोदी में बैठकर काम करते हैं और इनकी तनख्वाह, इनका अप्रेजल, इनका बोनस सब कुछ आप तय नहीं करते। ये कहते तो आपसे ये है कि आप तय करेंगे, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इनको पैसा मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ चीन से तय होता है। पैसा लेते हैं चीन से और आपको कहते हैं कि हम आपके लिए काम करते हैं, हम स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। एक कड़वा सच ये भी है कि जिन यूट्यूबर पत्रकारों को और न्यूज पोर्टल पर चीन से फंडिंग लेकर काम करने के आरोप हों, वो डिजिटल मीडिया और पत्रकार असल में चीन का एक गुलाम मीडिया है। इसका नाम हमने गुलाम मीडिया रखा है, जिसने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भारत के खिलाफ नफरत का पूरा की पूरा एक शोरूम कह लीजिए, दुकान कह लीजिए या मॉल कह लीजिए, ये खोल कर रखा है। इसलिए आज आपके सामने एक नया गठबंधन लेकर आए हैं, भारत के खिलाफ एक नया गठबंधन है और ये गठबंधन है चीन, पाकिस्तान, नक्सलवादी, भारत विरोधी ताकतें और ये गुलाम मीडिया। इस नए गठबंधन को आप पहचान लीजिए। ये जो गुलाम मीडिया है सबसे नीचे, ये आपसे यही कहता है कि मैं स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूं, लेकिन आप आज खुद अपने दिमाग पर जोर डालिए, ये जितने भी स्वतंत्र पत्रकारिता करने का दावा करने वाले लोग हैं, इन सबकी भाषा आपको भारत विरोधी ताकतों की जैसी मिलेगी। सबकी भाषा और विचार नक्सलवादियों से मिलते हैं, माओवादियों से मिलते हैं, सबके विचार पाकिस्तान से मिलते हैं, चीन से मिलते हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये इत्तेफाक नहीं है, ये लोग बिक गए हैं और ये गुलाम हैं। जिस तरह हमारे ही देश में बहुत सारे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया करते थे, हमारे ही देश में बहुत सारे गद्दार ऐसे थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो हमारे ही देश के ना जाने कितने गद्दार उनसे मिल गए थे। आज भी वही हो रहा है,
आज ये जो विदेशी ताकतें हैं, ये आज की ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी हो सकती हैं, बहुत सारी मानव अधिकारों की कंपनियां हो सकती हैं, बहुत सारी एनजीओज हो सकती हैं विदेशों से, और बहुत सारी सरकारें भी हो सकती हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, और ये सारा गुलाम मीडिया उनसे पैसा लेकर ठीक अपने ही देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आज भारत की संसद में, लोकसभा में, बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है और कहा है, आरोप लगाया है कि भारत में कुछ पार्टियां, कुछ नेता और पत्रकार मिलकर चीन से पैसा ले रहे हैं और इस फंडिंग से भारत के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है। आज संसद में क्या हुआ आप देखिए। अध्यक्ष जी, ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है, आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूँ अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है, और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा यह है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा पूरा खुलासा किया है, और वो जो न्यूज क्लिक है सर वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है, पुरकाश्त उसका मालिक है, उसके सारे पैसे में कहां कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोनी सिंह को, या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को, केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं, उसके बारे में सर। दूसरा, मैं इस सरकार से मांग करता हूं सर कि जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक, चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया जिसका एफसीआरए लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ, ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे, कुछ विषयों पर न्यूज क्लिक का ये जो नवलता के साथ है, पुरकाश के साथ जब हमने न्यूज क्लिक पर रेड किया सर, तो दिग्विजय सिंह का, सुरजेवाला का, सुप्रिया श्रीनेत का, ये सारे ट्वीट आए सर, ये चाइनीज के साथ ले लिए, ये देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। तिब्बत के बाद जो हिंदू चीनी भाई भाई नेहरू की जो नीति थी उस नीति को ये बढ़ाना चाहते हैं, ये भारत का विभाजन करना चाहते हैं, और इसमें ये चाइनीज के साथ मिलकर ये कांग्रेस देश को तहस नहस करना चाहती है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से, ये पत्रकारों के माध्यम से और चाइनीज के माध्यम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस को, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है, उसकी जांच की जाए, और इतने लोग हैं उनको सलाखों में पीछे डाला जाए, और कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस चाइना न्यूज क्लिक अ पार्ट ऑफ अ अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था, और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन ये लोग चलाते थे, और इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान है। नो वन इन एनी ऑफ आवर पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी कंसिडर्ड टू बी एंटी इंडियन। वी हैव अ डिफरेंट व्यू ऑफ हाउ इंडिया शुड प्रोग्रेस एंड व्हाट इंडिया नीड्स
in terms of its future as a democracy. And that's the difference. It's not about any foreign country. In fact, we have been critical of this government for not being tough enough on China after they killed 20 of our soldiers in Galwan. So it makes no sense to make such a charge. हमारे देश में जब किसी को जब कोई गैर कानूनी काम को कोई रोका नहीं जाता तो फिर लोग यही करते हैं कि पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने पैसा खा लिया होगा इसलिए अब उन्हें ब्लैक ब्लैक नहीं दिख रहा और वाइट वाइट नहीं दिख रहा। और ऐसी ही जगह जो है ये जो मामला है ये अक्सर आपको ब्लैक ब्लैक नहीं दिखाई देता और वाइट वाइट नहीं दिखाई देता। इसलिए आज ब्लैक और वाइट में ये मामला हम आपके सामने लेकर आए हैं। अब आप ऐसा समझिए कि जब आप कोई मामला पुलिस थाने में लेकर जाते हैं और किसी पुलिस वाले ने रिश्वत खा ली होती है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता और आप भी ये बात समझते हैं। इसी तरीके से जब मीडिया अगर रिश्वत ले ले और मीडिया ये तय कर ले कि आपके सामने सही तस्वीर पेश नहीं करनी है तो फिर मीडिया ब्लैक को वाइट कहने लगेगा और वाइट को ब्लैक कहने लगेगा। और ये सब कुछ यहीं हो रहा था। इस मामले में भी कुछ यूट्यूब पत्रकारों ने खुद को चीन के हाथों बेच दिया थोड़े से पैसे के लिए और ये पत्रकार चीन की गोदी में जाकर बैठ गए और उसके गुलाम बन गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग जब भी इन्हें स्वतंत्र पत्रकारिता बताते हुए इनका बचाव करते हैं तो देखिए क्या होता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं इसी न्यूज क्लिक की नाम की कंपनी पर 2021 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड की थी इसके दफ्तरों पर और दूसरे ठिकानों पर। और उस समय हमारे देश का एक खास वर्ग लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के ठेकेदार और प्रेस की आजादी के ठेकेदार और एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं ने तब बड़ी चिंता जताई थी और कहा था कि ये ईडी की रेड स्वतंत्र पत्रकारिता को कुचलने के लिए की जा रही है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं उस समय किस किस ने विरोध किया था। देखिए उस समय जब ईडी ने इनकी रेड की थी और यही बात जब ईडी ने बताई थी जो आज न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है उस समय ये कांग्रेस पार्टी ने इस न्यूज क्लिक का बहुत बचाव किया। कुछ विपक्षी दलों ने बहुत बचाव किया। कुछ खास पत्रकारों ने इसका बहुत बचाव किया और जो नक्सलवादी थे माओवादी थे टुकड़े टुकड़े गैंग के जो सदस्य थे उन सब ने ये कहकर बचाव किया कि ये तो स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला है और सरकार जो निर्भीक पत्रकार हैं उनका मुंह बंद करना चाहती है। मैं आज एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट उसी दिन का लेकर आया हूं जिसमें वो कहते हैं दे आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट द रेड्स ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एट द ऑफिस ऑफ द इंडिपेंडेंट न्यूज वेबसाइट newsclick.in। यहां देखिए खास बात यह है ये सब इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट न्यूज वेबसाइट। हर पत्रकार आप जब आपके सामने अपनी पैकेजिंग करता है तो कहता है मैं स्वतंत्र हूं मैं इंडिपेंडेंट हूं। इन्होंने भी लिखा इंडिपेंडेंट न्यूज वेबसाइट लेकिन अब आप सोचिए ये कितनी स्वतंत्र थी। ये तो गुलाम थी और ये चीन की गुलामी कर रही थी ये वेबसाइट। फिर आगे लिखते हैं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इज कंसर्न दैट रेड्स बाय गवर्नमेंट एजेंसीज आर नॉट यूज्ड एज कोएरसिव मेजर्स टू सप्रेस फ्री एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। यहां भी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म आ गया और यही बात मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं कि ये इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के नाम पर आपके साथ सबसे बड़ा धोखा है आपके साथ सबसे बड़ा छल है। ये इतने आजाद हैं इतने स्वतंत्र हैं कि इनकी स्क्रिप्ट्स चीन से लिखकर आती हैं। ये कितने आजाद हैं कि इनका पैसा चीन से पाकिस्तान से या फिर अमेरिका से आता है उस पैसे से ये अपने पत्रकारों की तनख्वाहें देते हैं उनकी जेबें भरते हैं और फिर उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। आपको याद होगा पुराने जमाने में राजा महाराजा जब हुआ करते थे तो उनका एक दरबारी कवि हुआ करता था और उस कवि का जो काम था वो ये था कि अपने राजा दरबारी कवि होने के नाते उसकी तारीफ में कुछ लिखना है और उसे इसके बदले में अशर्फियां मिलती थी। आज ये अशर्फियां बाहर से आ रही हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से आ रही हैं। ये बात आज समझने की आवश्यकता है और हो सकता है बीजेपी को तो हमने देखा इस पर बहुत राजनीति हो रही है बीजेपी इस पर कांग्रेस पर हमला बोलेगी कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोलेगी। हमारे देश में राजनीति तो हर चीज पर होती है लेकिन आज हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं राजनीति नेता तो राजनीति करते रहेंगे लेकिन ये भारत की पत्रकारिता के लिए एक बहुत ही खतरनाक बात है
और ये तो सिर्फ एक वेबसाइट के बारे में भी पता चला है। हमारे देश में न जाने कितने और लोग हैं जो ऐसा ही कहीं ना कहीं बाहर से पैसा लेकर इस तरह की मिलावटी खबरें आपके सामने पेश कर रहे होंगे। इसलिए आपको अब सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि न्यूज में मिलावट शुरू हो चुकी है। दूसरी बात एक और हम स्पष्ट करना चाहते हैं, YouTube पर जितने भी पत्रकार हैं हम सबके बारे में ये बात नहीं कह रहे, इसलिए ये बात हमारी याद रखिएगा, सारे लोग खराब नहीं है। YouTube पर ईमानदार लोग भी हैं, डिजिटल स्पेस में ईमानदार लोग भी हैं, डिजिटल स्पेस में YouTube पर ऐसे पत्रकार भी हैं जो बहुत ईमानदारी से बिना किसी से पैसा लिए, जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के जो पत्रकार हैं जो 40 लाख 45 लाख रुपए में अपनी आत्मा को बेच देते हैं, उसकी वजह से सब लोग बदनाम होते हैं। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और बीच रास्ते से वापस लौटने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि लौटने में भी आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी लक्ष्य तक पहुंचने में। नमस्कार।